हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा हाउ टू प्ले मार्वल फ्यूचर फेस्ट। फर्स्ट कंप्लीट स्टोरी मोड, डायमेंशन मिशन, उसके बाद ट्रू शील्ड, उसके बाद वॉल वॉर, और कभी भी नॉर्मल वॉर प्ले करो। बिगिनर में वॉल वॉर द फ्यूचर एंड ईयर, एक बार ये हो गया उसके बाद हम प्ले करेंगे डायमेंशन मिशन। सिर्फ 30 बार करने का, 1 क्लियर में 10 बार हो जाएगा। क्लियर टिकट करेंगे तो 10 टाइम हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे और डिस्पैच मिशन एपिक क्विज और हीरो क्विज में कॉन्सेंट्रेट मत करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से पहला मत करो, मैं देख लेंगे। डिस्पैच मिशन मत करो। वर्ल्ड बॉस ये डेली 5 बार 5 बार कंप्लीट करने का, एक बार कंप्लीट हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी इसमें प्ले मत करो क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलते हैं, 5 मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और थानोस को आप बाद में भी खेल सकते हो, अभी यार तुरंत खेल नहीं पाएंगे क्योंकि उतना फ्री टू प्लेयर को उतना स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं मिला रहेगा। तो इस नल और मेफिस्टो कब खेलो ही मत, स्टार्टिंग खेलो ही मत, मैं वापस बोल रहा हूँ। और वर्ल्ड बॉस में प्रॉक्सिमा और उसमें से जो 5 मटेरियल ब्लैंक एंटी मैटर, केयर नॉस्टोन, एंसेस्ट्रल डायमेंशन, टीसीपी और सीसीएफ, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5ों मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डेली प्ले करो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार हो गया उसके बाद हम इसमें से कोई नहीं खेलेंगे। और एरियाना पहला खेलो ही मत, इसे कॉन्सेंट्रेट ही मत करो। और इसमें से तो और अगला है कॉमिक कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमिक कार्ड। कभी भी इग्नोर डिफेंस और कूल डाउन ड्यूरेशन में कॉन्सेंट्रेट करो, कॉमिक कार्ड कलेक्ट करो, कॉमिक कार्ड इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद है और डिस्पैच में कॉन्सेंट्रेट, और वर्ल्ड वॉर्स हो गया और शैडोलैंड, इसमें एरियाना वापस कॉन्सेंट्रेट मत करो। कोऑप में डेली कोऑप प्ले खेलो, ऑटो रिपीट में डाल दो, अपने आप खेलते रहेगा अब कुछ करने का। और कैरेक्टर बिल्ड के लिए मैं अगला अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्री मिल जाएगा आपको, शेरन रॉजर, बेस्ट कैरेक्टर इन द गेम, सो इसमें आप इन्वेस्ट करो। और गोस्ट राइडर, ये दोनों यूनिफॉर्म ही परचेस करो, बाकी आप कुछ भी मत करो। अगला वीडियो में बताऊंगा कैसे कैरेक्टर बिल्ड करने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा।